तो दोस्तों आज है तेलुगु सिनेमा के सबसे हैंडसम और सबसे चार्मिंग सुपरस्टार महेश बाबू सर का जन्मदिन। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से महेश बाबू सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महेश बाबू सर के जीवन में ढेर सारी खुशियां आती रहे और महेश बाबू सर की आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सुपरस्टार महेश बाबू सर का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के मौके पर उनके सभी फैंस के लिए महेश बाबू ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महेश बाबू सर के अपकमिंग फिल्म सरकारू वारू पाता, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं परशुराम, और इस फिल्म में महेश बाबू सर के साथ में नजर आएगी कीर्ति सुरेश। इस फिल्म का मोशन पोस्टर आज रिलीज हो चुका है और इस फिल्म का मोशन पोस्टर देखने में काफ़ी धमाकेदार लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस मोशन पोस्टर में महेश बाबू एक कोइन को उछाल रहे हैं और साथ ही साथ कोइन का निशान उनकी गर्दन पे भी है। तो दोस्तों मोशन पोस्टर में जिस तरह कोइन को अहमियत दी गई और कोइन पे हाईलाइट किया गया है, उससे देखते हुए लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर कोइन का कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई ट्विस्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि सरकारू वारू पाता फिल्म का जो मोशन पोस्टर है उसका जो बैकग्राउंड है वो काफी कमाल का है। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक में हम सुनिधि चौहान की आवाज सुन सकते हैं जो कि इस टीजर यानी कि मोशन पोस्टर को और भी शानदार बनाती है। तो दोस्तों बता दूं सरकारू वारी पाता एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म को अगले साल यानी कि 2021 में रिलीज किया जाएगा सिर्फ तेलुगु भाषा में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महेश बाबू के नॉर्थ इंडियन फैन हो और आपको लग रहा है कि सरकारू वारी पाता हिंदी में रिलीज होगी, तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। सरकारू वारी पाता अगले साल पहले तेलुगु में रिलीज होगी, उसके कई दिनों बाद शायद ये फिल्म हमें हिंदी डब में देखने को मिले। हालांकि दोस्तों सरकारू वारी पाता हिंदी डब में कब आएगी इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते होंगे कि महेश बाबू की लास्ट रिलीज दो फिल्में, पहली महर्षि और वही दूसरी थी श्रेलारू नेक्के वारू, ये दोनों फिल्में भी रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है लेकिन अभी तक हिंदी डब में नहीं आई। तो अब जब तक महर्षि और श्रेलारू नेक्के वारू फिल्में हिंदी डब में रिलीज नहीं होती, तब तक सरकारू वारी पाता फिल्म की तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हिंदी डब में रिलीज होने का। हालांकि दोस्तों महेश बाबू सर के महर्षि, श्रेलारू नेक्के वारू या सरकारू वारी पाता, इन तीनों फिल्मों की हिंदी डबिंग से लेकर अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आप सबके लिए अपने चैनल पर एक अलग वीडियो बनाकर आप सबको जरूर बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही साथ सुपरस्टार महेश बाबू सर को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे हैप्पी बर्थडे महेश बाबू कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए ताकि महेश बाबू की फिल्मों से लेकर जो भी नई न्यूज़ आए वो मैं आपको सबसे पहले बताता रहूँ।